हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को। मो नाम प्रियदर्शिनी मुनि एवं मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण मानक स्वागत करुच्ची। प्रीवियस वीडियोस रे आम किसी क्वेश्चन डिस्कशन कर 2018 SSB रो जूलोजी पेपर रो। आज आम फर्दर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। सो ओके, सो 30 जाए हमें ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कशन कर सारी छे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टार्ट करवा 31 रु। तो क्वेश्चन ये अच्छी, बर्ड्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट बिकॉज यूरिक एसिड इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, इज मेटाबॉलिकली लेस एक्सपेंसिव टू सिंथेसाइज दैन अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, रिक्वायर्स लिटिल वाटर फॉर नाइट्रोजिनस वेस्ट डिस्पोजल विच इज कंड्यूसिव टू द फंक्शन ऑफ फ्लाइट इन टर्म्स ऑफ वेट, एक्सक्रीशन अलाउज बर्ड्स टू लिव इन डेजर्ट एनवायरमेंट्स। नाइट्रोजिनस वेस्ट जदि आप देखिए, साधारणतः तीन टा प्रकार नाइट्रोजिनस वेस्ट आपको मिल जाइपर। गोटे रहा आपर आमोनिया, देन सेकेंड आसीगला आपर यूरिया, एंड देन द थर्ड वन इज योर यूरिक एसिड। ओके, यूरिक एसिड आपर लिस्ट सॉल्युबल हम वाटर रे। आमोनिया आपर कम्प्लीटली सॉल्युबल हम, जोटा कि यूरिया आपर मॉडरेटली सॉल्युबल रो। सो फर्स्ट ऑप्शन आपर भूल रहा। इट्स मेटाबॉलिकली लेस एक्सपेंसिव, एटा लेस एक्सपेंसिव नुह, एटा हेविली एक्सपेंसिव रो। सो एटा भी भूल रहा। यूजुअली बर्ड्स मानक केस रे देखा जाए यूरिक एसिड, बिकॉज से मानकर बॉडी को जेते से माने लाइट करके रखिबे सेटा सेते बेटर, सो दैट कि फ्लाइंग रे से मानको हेल्प करिवो। लाइट वेट हेबा द्वारा से मानकर बॉडी रे वेट सेते बेसी हुए नहीं, बिकॉज जेती बेसी हेवी वेट रहिबो से मानको उड़ीबारे सेते प्रॉब्लम हबो। सेतिपे से मानकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत फास्टर थाए, से मानकर डाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्टर हुए। सो दैट कि इजिली जिते जल्दी से डाइजेशन हम, तो वेस्ट प्रोडक्ट से अनुसार रिलीज आउट हो जाए। ओके, बाकी भी बहुत गुड़े मॉडिफिकेशंस रही ब्लड बर्ड्स मानक केस रे, जोटा कि से फ्लाई करिवार हेल्प करे। एंड यूरिक एसिड हूँ वन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, जो थे कि बहुत कम वाटर को वेस्ट करके मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज आउट कर दिखते। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपर ये ठीक आंसर हो। देन 32 रो जदि हमें क्वेश्चन देखिबा, व्हिच स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम व्हेन स्टिमुलेटेड बाय एल्डोस्टेरोन। तो वर्तमान जदि आपण एठी रीअब्जॉर्प्शन कथा देखुचोनी, दैट मींस हमें किडनी विषय एठी हमें एठी क्वेश्चन पचरा जायची। किडनी रो जदि आपण स्ट्रक्चर देखिबे, देन प्रथमे आसीगला आपणकर बायमेंस कैप्सूल, जोटा कि आपणकर एठी कप लाइक स्ट्रक्चर रहिबो। देन नेक्स्ट आसीगला गोटे कॉइलिंग स्ट्रक्चर, बहुत गुड़े रही है कॉइलिंग पार्ट, जहाँ को आपर PCT वाली कह जाए, कि प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहीपर। देन आपर गोटे यू सेफ र लूप आसो, जहाँ को आम लूप ऑफ हेनले वाली कहूँ। ओके, देन नेक्स्ट आसो आपर आउ गोटे कॉइलिंग एरिया, जहाँ को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कह जाए, कि सर्टकट में आम DCT वाली कहीपर। देन नेक्स्ट आसो आपर लास्ट पार्ट, जहाँ को आपर कहुए कलेक्टिंग डक्ट। ओके, CD वाली कह जाए। तो जदि आप अल्डोस्टेरोन देखुं, तो अल्डोस्टेरोन जो रिसेप्टर्स मैंने थांदी, से मैंने कलेक्टिंग डक्ट ऊपर अवेलेबल थांदी, एवं सेकेंड पार्ट से मानकर अवेलेबल थाए कोठी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऊपर। ठीक अच्छे, ये जगह आप देखिपारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो सेल लेयर अच्छी, किंवा टिश्यू लेयर अच्छी, से जगह आपको अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स मैंने मिल जाए, किंवा कलेक्टिंग डक्ट जो लेयर्स अच्छी, से जगह आपको अल्डोस्टेरोन मिलजि रिसेप्टर्स। तो जितेबले भी आपर अल्डोस्टेरोन रिलीज है आज पर द रिक्वायरमेंट, तो अल्डोस्टेरोन मैंने आसिक ये जगह बैंड करेंगे, जहाद्वारा आपर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस मैक्सिमम हम। तो जदि चारिटा को ऑप्शन रे आपन देखिबे, देन डी ऑप्शन आपर ये ठीक हो। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज योर 33, हार्ट वर्म्स दैट कैन एक्युमुलेट विद इन द हार्ट्स ऑफ डॉग एंड अदर मैमल्स हैव ए स्यूडोसिलम एंड एलिमेंटरी कर्नल, सॉरी, okay, an alimentary canal and an outer covering that is occasionally said, to which phylum does the heartworm belongs? हार्टवर्म जदि आप इवेन सपोज धरी दिखाँ, हार्टवर्म विषय जब आप किसी आइडिया भी नहीं, ये आप गोटे छोट ट्रिक अप्लाय करदेपरेंगे, जदि आप वर्ड रीनिंगटा बुझीपारे, जहाँ को कहा जाए स्यूडोसिलम। तो जदि आप पूरा नॉन कॉर्डेट्स मानक डिविजन देखिए, अप टू आपर प्लाटीहेलमिन्थेस पर्यंत रही आपर एसिलोमेट कंडीशन। ओके, सो दिस वन इज योर एसिलोमेट कंडीशन। देन निमाटोहेलमिन्थेस आपर स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। देन निमाटोहेलमिन्थेस पर आपर आसीज एनिलिड्स,
ଏବଂ ଆନିଲିଡ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସିଲୋମେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରୁ ସିଲମ୍ ବୋଲି କହୁ କିମ୍ବା ସିଲୋମେଟ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ସିଉଡୋସିଲମ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ବିନା କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କାହାକୁ, ନିମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଖାସ କରିକି ଥ୍ରେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଆଜ୍ ଅ ପାରାସାଇଟ୍ ପରିକା ବି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ କେସ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆସ୍କାରିସ୍ ଲୁମ୍ବ୍ରିକଏଡ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଭଲରେ, ଆସ୍କାରିସ୍ ଲୁମ୍ବ୍ରିକଏଡ୍। ଓକେ, ସୋ ଲୁମ୍ବ୍ରିକଏଡ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନିମାଟୋଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ ଅ ପାରାସାଇଟ୍ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ୟୁନିସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିକି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟର୍ ୱେରେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ୱର୍ସ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ତ ସିଉଡୋସିଲମ୍ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ କି ହାର୍ଟ ୱାର୍ମସ୍ କ'ଣ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ତ ସିଉଡୋସିଲମ୍ ପାଖରୁ ବି ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ନିମାଟୋଡ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଟ ୱାର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଅଗର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଇଜିଲି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ନିମାଟୋଡ୍ ସହିତ ଯିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ମେନି ୟୁନିକ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ କୁଡ୍ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଜିନୋଟାଇପ୍। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ଏଇସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଶ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ଥାଏ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ସଟା ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି। ବାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛିଟା ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର, ଦେନ୍ ଆପଣ ତା ସହିତ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ର ଜିନୋଟାଇପ୍ ରହିଲା ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନ୍ କିମ୍ବା ଆଲିଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଆଫେକ୍ଟିଙ୍ଗ ଇଚ୍ ଅଦର ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଗ୍ରିଗେଟ୍ ହେବେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଥମ ଧରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଏ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ସ୍ମଲ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ତ ସେଇ ପ୍ରସେସ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ ଅପ୍ କରିକି ଆମେ ସବୁତକ ଜିନ୍କୁ ସେପରେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା, ତ କଣ୍ଡିସନ୍ କିଛି ଏମିତି ହେବ। ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସ୍ମଲ୍ ଏ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆସିଯିବ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବି ସ୍ମଲ୍ ବି, ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଏ ପାଖରେ ବି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବି ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ବି। ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହିଁ ସି ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଏଥିରେ ବେଶ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସି ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିବେ। ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଡି ରହିଛି, ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଡି, ଦେନ୍ ଏଠି ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଡି, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ରହିପାରିବ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଡି, ଦେନ୍ ଏଠି ବି ରଖିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଡି, ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇ, ଦେନ୍ ଏଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇ, ଦେନ୍ ଇ, ଦେନ୍ ଇ ଏବଂ ଇ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଇ ଇ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍। ଓକେ, ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗ୍ୟାମେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାମେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାମେଟ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟ୍କୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ, ସୋ ଦିସ୍ ବିକମ୍ସ ନମ୍ବର ଟୁ। ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ପାଖରୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ପାଖରୁ ଏଗେନ୍ ଆସିଯିବ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଫୋର୍। ଓକେ, ସେମିତି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟ୍, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମକୁ ଆଠଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ବିନା କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପାଖକୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ 35, ୱେନ୍ କ୍ରସିଂ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ରିସେସିଭ୍ ଫର୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ରିସେସିଭ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ରିସେସିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଲି ସେମ୍ ଥିବ, ତ ରିସେସିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ସର୍ଟ ଲେଟର୍ ଆଇ ମିନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ରେ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବି, ସପୋଜ୍ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ରିସେସିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ହେଲା ଏବଂ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ଫର୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଅ ହେଟ୍ରୋଜାଇଗଟ୍, ୟାକୁ ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ହେଟ୍ରୋଜାଇଗଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ଦେଲି, ମୋର ସ୍ମଲ୍ ଏ ଦେଲି, ତ ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଟ୍ରୋ।
हेटरोजाइगस कंडीशन आपण क्रॉस करेले व्हाट इज द चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग विथ द होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप तो से क्वेश्चन पचारुचे जदि आपण गोटे होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल को गोटे हेटरोजाइगस इंडिविजुअल संगे क्रॉस करोचंदी देन ऑफस्प्रिंग माने जो क्रिएट हेबे सेमानंक भितरे होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप आसीबार कंडीशन चांसेस केते अच्छे तो सिंपल आपण कौन करेंगे गैमेट्स को अलग कर दिंतु स्मॉल ए रहिला एठी आपणकर कैपिटल ए स्मॉल ए रहिला करेंगे कौन क्रॉस कर देबे सो कैप स्मॉल ए संगे आपण एठी क्रॉस करले देन सेकंड स्मॉल ए को एठी आपण क्रॉस कर देले अल्टीमेटली आपण को प्रोडक्ट को मिलला कैपिटल ए स्मॉल ए देन स्मॉल ए देन स्मॉल ए कैपिटल ए देन स्मॉल ए दैट मीन्स यदि आपण को टोटल चारिटा ऑर्गेनिज्म मिलुची तो आउट ऑफ फोर दुटा ऑर्गेनिज्म एमती अच्छा जो मैंने कि होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करते ओब्वियसली से माने ही होमोजाइगस फिनोटाइप्स को शो करेंगे तो आम ये कहींपर दैट 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स और द 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस इंडिविजुअल विल कैरी द होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप दैट मीन्स आम ऑप्शन नंबर सी होगी आप ठीक आंसर ओके देन नेक्स्ट आसवा आम 36 क्वेश्चन को 36 रे आम जब ये देखा 36 रो ओके सॉरी ओके सो 36 रो क्वेश्चन जब हम देखा ए पर्टिकुलर ट्रिपलेट ऑफ बेसिस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अच्छा आपणक पाखरे डीएनए रो टेम्पलेट स्ट्रैंड अछि तो डीएनए साधारणत आपणकर दीटा स्ट्रैंड रहिबो जोटा कि गोटे कोडिंग स्ट्रैंड रहिबो आ गोटे टेम्पलेट स्ट्रैंड रहिबो एवं टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखि के आपणकर एमआरएनए तयारी हुए सो जदि टेम्पलेट स्ट्रैंड आपणकर रहिला 5 प्राइम रु ए जी टी 3 प्राइम ओके तो आरोटा धरि दियंतु जोटा कोडिंग स्ट्रैंड हेतिबो सेटा आसी जिवो आपणकर जी सी ए एटा रहला आपणकर 5 प्राइम सो दिस वन इज योर डीएनए राइट जब आप ट्रांसक्रिप्शन हम ट्रांसक्रिप्शन आप टेम्पलेट स्ट्रैंड रु एमआरएनए तैयारी हम दैट मीन्स ए जगह आप एमआरएनए तैयारी हम तो अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट बनब किसी ए टाइप रो ए जी टी बदल आप बनीज यू देन एटी आसीज जी पाखे सी टी पाखे आसीज ए एवं प्रोडक्ट आप हिसाब से रोज ए हिसाब से दैट मीन्स जब आप 5 प्राइम रु जी तो आपको प्रोडक्ट किसी मिल सी यू कि आप 3 प्राइम रु जाऊँ आपको डायरेक्ट यू सी ए प्रोडक्ट मिलो ओके सो ऑप्शन नंबर 8 ए आपंकर ठीक आंसर ये जोटि आपको यू सी ए मिली तो जदि आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कंडीशन एटा रहा देन अल्टीमेटली एमआरएन कंडीशन रहा एटा तो जितेबले भी यही प्रकार सिचुएशन आप आरइज हे सब मन रखिथे कि 5 प्राइम रु 3 प्राइम को भल भाव में नजर करेंगे बिकज से जिस उल्टा होगा देन अल्टीमेटली पूरा सिक्वेन्सटा आप उल्टा होके देन 37 रे जब देखा ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैरियर्स रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज अच्छा से पचारे आरएनए पॉलीमरेज सहित आमको एक्स्ट्रा कौन दरकार जितेबाला आम ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करुचे कहा केस यूकेरियोट्स मानक केस केवल आरएनए पॉलीमरेज एकुटिया तो कम करनी दरकार कि एक्स्ट्रा फैक्टर्स तो फैक्टर्स मानक भितर द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द प्रमोटर जितेबाला आम ट्रांसक्रिप्शन कथा कहे ये प्रोटीन आसवन ये आपंकर आरएनए आसो प्रोटीन आसीज आप ट्रांसलेशन तो ऑप्शन नंबर ए ये सेमती भी भूल होगा स्टार्ट कोडन एंड स्टॉप कोडन सेटा भी आसीज आप ट्रांसलेशन तो सेटा भी आपंकर भूल होगा देन राइबोसोम्स एंड टीआरएनए एटा भी आपंकर ट्रांसलेशन आसीगला सेटा भी भूल हो देन अल्टीमेटली किछटा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स था जो माने कि हेल्प करती आउ किटा एनहांसर था रिप्रेसर्स था एक्टिवेटर्स मैंने था बहुत गुड़े अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मैंने था जो माने कि एक्चुअल यूकैरियोट्स मानक हेल्प करती टू कैरी आउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो डी ऑप्शन जोटा ये अच्छी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लिखाई से ठीक आंसर हो ओके सो 37 इज डन देन 38 रो जदि हम एठी आंसर देखिबा 38 रो आंसर एठी कोन रहिची द लैक्टोज ऑपरेंट इज लाइकली टू बी ट्रांसक्राइब्ड व्हेन अच्छा प्रथमे त आपण देखि दियो कि लैक्टोज रो जो कंडीशन थाय सेटा केमती थाय तो लैक्टोज रो जदि आपण जीन देखिबे ताहाले लैक्टोज रो कंडीशन किछ एटा रहिला ओके ट्रांसक्राइब जीन आपणकर एठी जेड वाई देन एठी ए रहिला देन ए जगह रे आपणकर ऑपरेटर रहिबो ए जगह रे आपणकर प्रमोटर रहिबो एठी आपणकर रिप्रेसर रहिबो तो रिप्रेसर यूजुअली सपोज धरि दिंतु एटा आपणकर रिप्रेसर होला ओके सो
क्वेश्चन कौन आसी लैक्टोज एवं देयर इज मोर ग्लूकोज इन द सेल देन लैक्टोज साइक्लिक एएमपी लेवल्स आर लो देयर इज ग्लूकोज बट नो लैक्टोज द साइक्लिक एएमपी एंड लैक्टोज लेवल्स आर बोथ आर हाई विद इन द सेल ओके तो प्रथम कंडीशन आम देखा कि जदि लैक्टोज रो एब्सेंस अच्छे दैट मीन्स जदि आप मीडियम रे लैक्टोज नाही ताहले कौन कंडीशन आसीबो तो जेतेबेले लैक्टोज नाही तो ये जो रिप्रेसर टा आप सिंथेसाइज होगा ये जो इनहिबिटर पाखे जो आई जो लिखाई से जेन रू आपर तैयारी हम कौन रिप्रेसर रिप्रेसर जैक बैंड कर कौटी ऑपरेटर पाखे तो जेतेबेले आपको ऑपरेटर पाखे आप रिप्रेसर बैंड कर तो जो आरएनए पॉलीमरेज़टा जोटा कि आप प्रोमोटर पाखे लगी तो ये जिनसा जो रहा आप आरएनए पॉलीमरेज़ ये आउ मूव करके जापर ना यार ये ब्लॉकिंग हो तो जितेबाला ब्लॉक होगा ओब्वियसली आप कौन सी प्रकार ट्रांसक्रिप्शन हम ना ओके देन नेक्स्ट सिचुएशन जदि आम देखा जदि आम लैक्टोज प्रोवाइड करदे देन आम कौन चेंजेस आसो सपोज धर दिखाँ आप मीडियम अच्छी आपकोलाई आप बैक्टीरिया रखिंट मीडियम भितर एवं आपको मीडियम आप लैक्टोज प्रोवाइड करुँच तो से जगह कौन आस आई अच्छी सी अल्टिमेटली आज पर द नेचर से या रिप्रेसर बट ये रिप्रेसर सांगे आसिक आप बैंड हो कौ मैंने अच्छा बाकी मुझा कपी करदे ऑपरेटर रहिला देन जेड देन वाई एंड देन ए सो आपणकर बाइंड हो सपोज धरी दिंतु लैक्टोज रेड कलर डॉट्स गुड़ा कहले लैक्टोज ओके तो ये लैक्टोज मैंने आसिक बाइंड हो जो लैक्टोज बाइंड होगा देन ऑपरेटर रिप्रेसर बाइंडिंग हम ना तो आपणकर आरएनए पॉलीमरेज इट कैन इजिली मूव थ्रुअर्ड्स द प्रोमोटर और ऑपरेटर एंड तापर से कौन कर ट्रांसक्राइब कर कौटू जे जीन पाख जे सॉरी आई मीन जेड जीन पाखु ट्रांसक्रिप्शन आरंभ करदेव ओके तो ये आपंकर ट्रांसक्रिप्शन ओके तो कंडीशन आसला जदि आमको आम जब लैक्टोज प्रोवाइड करवानी देन आम ट्रांसक्रिप्शन हेनी जदि आम लैक्टोज प्रोवाइड करुचे देन आम ट्रांसक्रिप्शन हम तो प्रथम कंडीशन जदि आप चारिटा जाक ऑप्शन रे देखिए लैक्टोज कौ जगार अच्छी बिकज आमको हेवी अमाउंट लैक्टोज दरकार रिप्रेसर तो गोटे प्रोडक्शन हम ना जितेबाला आप ट्रांसक्रिप्शन हो लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेसर्स विल बी प्रोड्यूस्ड तो जितेबाला गोटे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेसर अच्छी तो आमको भी सेमती लाइक काउंटेबल नंबर ऑफ लैक्टोज दरकार नहीं आमको भी सेमती अनकाउंटेबल लिमिटलेस लैक्टोज आमको प्रोवाइड करने को पड़ो तो से जगह क्वेश्चन देखि दिंतु कि लैक्टोज कौ जगार बेसी अच्छी प्रथम तो लिखाई कि देर इज मोर ग्लूकोज इन द सेल दैन लैक्टोज तो यहाँ हम ना देन बिकज आमको लैक्टोज ओब्वियसली आमको प्रोवाइड करियार अच्छी देन एएमपी लेवल यहाँ गोटे अलग पार्ट पलि पर कह ग्लूकोज सांगे नो लैक्टोज अच्छी तो यहाँ भी हम ना द साइक्लिक एएमपी लैक्टोज लेवल्स आर बोथ आर हाई विदिन द सेल अच्छा तो ये यही पार्टा को आप देखते लैक्टोज लेवल्स आर हाई ए गोटे पार्ट आप ठीक आंसर आसला साइक्लिक एएमपी जगार जब आप देखिए ग्लूकोज जदि मीडिया रे बेसी अच्छी देन आपंकर साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन आपंकर कम रहिबो ओके जदि ग्लूकोज आपंकर मीडियम रे कम अच्छी देन साइक्लिक एएमपी रो कन्वर्शन से जगह बेसी हम यहाँ गोटे डिफरेंट सिग्नालिंग एक्टिविटीज को पलि जाऊँच जोटा कि मुझे ये डिटेल जी ना बट आप एक मन रखुद जदि ग्लूकोज कन्सनट्रेसन हाई रहा साइक्लिक एएमपी कन्सनट्रेसन कम र जदि ग्लूकोज कन्सनट्रेसन कम रहा देन साइक्लिक एएमपी कन्सनट्रेसन हाई रही जगह कौन हुए साइक्लिक एएमपी मैंने साइक्लिक एएमपी रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट मीन्स सीआरपी प्रोटीन ये दुटा जाक मिसिक कौन करते आसिक गोटे जगह बैंड करती कौटी ए लैक ऑपरेन रोटे सैट्रे ओके तो जिते मैंने बैंड करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को बेस एनहांस करेंगे तो अल्टीमेटली आप एटा कहीपरेंगे कि ग्लूकोज आमको कम दरकार आउ साइक्लिक एएमपी आमको बेसी दरकार तो देखी दिंतु कौ जगार ग्लूकोज कम अच्छी आ साइक्लिक एएमपी बेसी अच्छी जदि आम बी ऑप्शन आ सी ऑप्शन को कंसीडर करवा देन साइक्लिक एएमपी आर लो लिखाई बी ऑप्शन रे तो एटा भी आपंकर भूल हो देन अल्टीमेटली आपंकर आंसर आसीज ये डी ओके क्लीयर आई होप कि आपने क्लारिटी आसी रेगुलेशन को लेकिन 39 क्वेश्चन जब आम देखा पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स एंजाइम्स फ्रॉम कैटलाइजिंग द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सो व्हिच प्रोकैरियोट शुड बी मोस्ट वल्नरेबल टू इनहिबिशन ऑफ पेनिसिलिन अच्छा जदि आप पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कथ देखुं देन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ये आप मन रखिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियंस मैंने था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मानक केस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थाए जोटा कि बहुत ही थिक थाए बहुत मोटा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आपंकर रहा ये आप मेम्ब्रेन रहा
देन आपणकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रहिला। नेगेटिव रे आपणकु गोटे इनर मेम्ब्रेन मिलिबा, सपोज दर दियंत एटा गोटे मेम्ब्रेन रहिला, बहुत ही पतला गोटे आपणकु पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मिलिला। ओके, देन आपणकु आउटर मेम्ब्रेन मिलिबो, ता उपरे आपणकु मिलिबो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। ओके, किछि कंडीशन किछि एम्प्टी थाए तो सिचुएशन एठी हला, जदि आपण पेनिसिलिन दोउचंती जहा पाखरे पेप्टिडोग्लाइकन को इनहिबिट करिवार सिचुएशन माने कैपेसिटी अछि, देन अल्टीमेटली ग्राम पॉजिटिव वाला जदि किछि बैक्टीरिया अछि त सीए डेवलप करि परिबो नाही, बिकॉज अल्टीमेटली आपणकर सेल वॉल ही क्रिएट हबो नाही। ओके, तो को माने त माने वल्नरेबल हेबे माइकोप्लाज्मा आपणकर फंगस रे जाउचि, तो ओबवियसली पेनिसिलिन ताकु तार किछि बिगाड़ि परिबोनी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम आपर अफेक्टेड बिकज ताकू दरकार ठीक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आपर अफेक्टेड हम ना बिकज ताकू पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बेसी आवश्यकता ना, ताकू दरकार लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। एवं जोटा एंडोस्पोर बियरिंग बैक्टीरिया मैंने अच्छा एम को भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रमती मात्रार आवश्यकता न थाए जोटा कि पेनिसिलिन अफेक्ट कर। ओके, तो ओब्वियसली आपर आंसर ये कौन हो, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा 40 नंबर क्वेश्चन को, 40 नंबर क्वेश्चन रे कौन लिखाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एंडोटॉक्सिन इन ग्राम नेगेटिव स्पेसेस। ग्राम नेगेटिव स्पेसेस रे जदि आपण देखिबे, जेमती कि मु ऑलरेडी कहि सारलिनी, ग्राम नेगेटिव रे आपण को मिलिबो कोन एलपीएस, जहाँ को आम कही परिबा लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। ठीक अच्छे, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर गोटे प्रकार टॉक्सिन्स परिका काम करे, जोटा कि आम एंडोटॉक्सिन बोली भी कही परिबा। आउ एटा आपणकर कहार पार्ट, सेल वॉल रो पार्ट, तो ओब्वियसली बिना कोनोसी कन्फ्यूजन रे सॉरी आम सेल वॉल संगे किबा ऑप्शन नंबर डी सहित जीवा। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, को स्टेटमेंटा ए चारि जनक भितरे ठीक नाही। ओके, एटी मु आउ गोटे क्वेश्चन एटी आउ गोटे कथा कही रखिया को चाहू छी, बेले बेले आम क्वेश्चन जितेबेला अटेंड करूचे आम प्रथमे स्टेटमेंट पढ़ी देले तो संभव से जल्दी रे से क्वेश्चन रे लास्ट पर्यंत आम एत ध्यान दौना। जमी आप देखिए ये गोटे लिखाई नॉट, बहुत जगह एमती हुए कि ये जो नॉट और कैन नॉट और ए टाइप रो क्वेश्चन ए टाइप रो वर्ड को आम माने ताकू नजर देना एंड आमको लगे कि मानने बुझे आमको भूल हो जाए, आम जो आंसरटा आम आम हिसाब से ठीक करके आसा सेटा एक्चुअली क्वेश्चन डिमांड नथिबो, क्वेश्चन अलग आमको किसी पचारे तो ये जगह आपको बहुत ध्यान देवाक पड़े बिकज यूजुअली पिलामानकर ए टाइप रो हेची भूल हेची तो सही हिसाब से बिकज मु भी केतर एंत भूल करी छी तो सही एक्सपीरियंस मु आपनको कहू छी, तो जते बेले भी आपन क्वेश्चन पढ़ु छेंती मेक श्योर कि आराम से एटलीस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड रो टाइम देबे से लाइन को पूरा प्रॉपर पढ़िबा पे। जदि एमती किसी ऑप्शन एमती किसी वर्ड गोटे अच्छी आपर लाइन रे, देन से जिनस मिस आउट कर दूसरे देन से अल्टीमेटली आपको नेगेटिव मार्किंग भी आने वो। तो से बेटर कि आप ये सब किए सतर्क रहिबे। ओके, सो देखिए आम क्वेश्चन को कि चारिटा एक स्टेटमेंट भितर को स्टेटमेंटा आपर ये ठीक ना। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कौन लिखाई, आर्किया बैक्टीरिया हाव डिफरेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स, आर्किया एंड बैक्टीरिया केस रे एक्चुअल डिफरेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स थाए, आर्किया मानक केस रे आपनको इथर वाला लिपिड्स मिलिबो, जोठी कि बैक्टीरिया मानक केस रे आपनको ईस्टर वाला लिपिड मिलिबो। जदि आपण जानिबाकु चाहुचेंती इथर लिपिड्स कोन एवं ईस्टर लिपिड्स कोन, देन आपण मो चैनल रे सेल वॉल एवं सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड गोटे वीडियो मु अपलोड करथिलि, जोथरे कि केमिकल स्ट्रक्चर सहित बैक्टीरिया फंगस एवं आपणकर यूकैरियोट्स एवं आर्किया मानक केस रे को टाइप रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर थाए, से मानकर फॉस्फोलिपिड रो स्ट्रक्चर्स कोन थाए, ईस्टर एवं इथर को जगह अवेलेबल थाए, से मानकर बॉन्डिंग एवं से मानकर अरेंजमेंट ता विषय रे मु डिस्क्राइब करी छी, तो आपणकु मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक्स मिलि जिवो, किबा जदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी नथिबो देन आपण मो चैनल रे से वीडियो टी पाई परिबे, तो जदि आपणकु बेसिक क्लैरिटी दरकार देन से वीडियो टी आपण फॉलो कर परिबे। तो यूजुअली आर्किया एवं बैक्टीरिया डिफरेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स कंटेन करते हैं, जोटा कि एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ आर्किया एंड बैक्टीरिया जनरली लैक
मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स एटा भी आपनकर ठीक द सेलुल्स ऑफ आर्किया लैक पेप्टिडोग्लाइकन एटा भी आपनकर ठीक आर्किया पाखरे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स नथाय ओनली बैक्टीरिया हैव हिस्टोन्स एसोसिएटेड विथ डीएनए तो प्रथम जिनस होला जते बड आपनकु ऑल लेखाय छ कोनसे स्टेटमेंट रे किबा ओनली लेखाय छ जेंति मु लास्ट वीडियो रे कहितली एई टाइप रो स्टेटमेंट्स यूजुअली करेक्ट हे नथाय 99.99% रे ए क्वेश्चन सुडा को सब उडा को भूल थाय किंतु जदी आपनकर कांसेप्ट क्लैरिटी नाही देन एई टाइप रो शॉर्टकट को अप्लाई करिवे नाही जदी आपन जानि चंदी किछिटा से रिलेटेड देन आपन गोटे गोटे क्वेश्चंस को ऊपर आपन नै परिवे रिस्क बिकॉज जेहेतु क्वेश्चन रे आपनकर नेगेटिव मार्किंग रहूची जे जहा भी क्वेश्चंस आपन अपीयर करूचंदी किबा ताको सिलेक्ट करूचंदी आपन सेति के क्लैरिटी रहिबा निहाती भाबरे दरकार किछि किछि जगह रे जेमति सबु माने कैंडिडेट मैंने टाइप रो करती कि किछिटा क्वेश्चन को आम रिस्क नहीं पारिबा अबे रिस्क नेबा दरकार भी तो ये केस रे जदि आपण जानि पर नहि कि को जगह ठीक हबो कि को स्टेटमेंट सहित मु जेबी देन ऑल वाला स्टेटमेंट किबा ओनली वाला स्टेटमेंट यूजुअली मोस्टली भूल थाय ओके बट 1% 0.1% रो चांस भी अछि कि से ठीक भी हे जेबो सेति में ए टाइप रो स्टेटमेंट को सिलेक्ट करिया पूर्व आपण निजे आगो कंफर्म हे परिबे कंफर्म हेबे ओके सो ओनली बैक्टीरिया हैव हिस्टोन्स एसोसिएटेड डीएनए बैक्टीरिया पाखरे प्रथम कथा तो हिस्टोन्स न थांती हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स थांती जदि मु कहि देबी तो फर्स्ट जिनस होला जदि आपनकर डीएनए रहला सपोज धरि दियो एटा आपनकर डीएनए रहला से लिनियर डीएनए हो किबा सर्कुलर डीएनए हो डजंट मैटर ओके सपोज धरि दियो तुम एठी गोटे सर्कुलर डीएनए रो स्ट्रक्चर करूची ओके लिनियर डीएनए हो किबा स्ट्रक्चरल डीएनए हो दि जणक भितरे आपनकु देखा जिवो किछटा फोल्डिंग स्ट्रक्चर बट यूजुअली बैक्टीरिया मानक केस रे हिस्टोन्स माने नथांती हिस्टोन लाइक किछटा प्रोटीन्स माने थांती जो माने कि फोल्डिंग रे हेल्प करंती जोठी कि आपनकर लिनियर डीएनए रे आपनकर थांती हिस्टोन्स माने ठीक अछि तो जोटा लिखा जाय छै कि ओनली बैक्टीरिया हैव हिस्टोन्स एसोसिएटेड विथ डीएनए ए स्टेटमेंट टा कंप्लीटली भूल बिकॉज पूरा यूकैरियोट्स मानक केस रे आपनकु मिलि जेबो हिस्टोन्स जदि आपन माने आइडिया थिबो न्यूक्लियोसोम्स मानक विषय रे सुपर कॉइलिंग हे थै न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रोड्यूस हे बिकॉज ऑफ द हिस्टोन्स तो डी नंबर ऑप्शन टा आपनकर एठी फुल जोठी कि बाकी तीनटा को ऑप्शन कंप्लीटली ए जगह रे ठीक अछि 42 क्वेश्चन देखिबा ए फीचर कॉमन टू ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज प्रथम जिनस होला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आपण काहा को कहिबे जदि आपण एठी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखुचंती सपोज धरि दियो एटा आपणकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हला एठी आपणकर फॉस्फोलिपिड्स रहिचंती ओके फॉस्फोलिपिड रो स्ट्रक्चर गोटे रफ स्ट्रक्चर मुझे ये करदे आपण मैंने समस्त जानते फॉस्फोलिपिड रो स्ट्रक्चर कौन हाइड्रोफोबिक टेल थाए हाइड्रोफिलिक हेड थाए आउ ए टाइप रो स्ट्रक्चर गोटे बाई लेयर रे अरेंज होकर थाए थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन ओके तो क्वेश्चन ये कौन पचारे जदि आम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स मानक विषय देखा तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स मानक केस एक्जाक्टली हुए कौन किसीटा सर्फे प्रोटीन से किसीटा पार्ट ऑफ द प्रोटीन था जोटा कि सेल बाहर थाए देन किसीटा था जोटा कि आपंकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते आउ किसीटा था जोटा कि सेल भितर थाए तो यहाँ आपंकर साइटोसिलिक पार्ट आपरि जदि यू आज सेल कौन तो यहाँ आपंकर साइटोप्लाज्म रहा तो प्रोटीन रो पार्टा साइटोप्लाज्म आड़क रही साइटोसिलिक पार्ट कह जोटा आपंकर बाहर को रही जाऊँच एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट कह जोटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसक्राइब करें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कह तो ये आपकी ध्यान रखा निहाती जरूरी कि आपंकर जो टेल रीजन को ऑलरेडी कही सारे यहाँ को आम कौन कहे हाइड्रोफोबिक साइट बोली कहे तो ओब्वियस कथा जो प्रोटीन टा ट्रांसक्राइब करके रोचे आई मीन नॉट ट्रांसक्राइब भूल कहली वर्ड टा भूल यूज करुच्ची जोटा जो प्रोटीन टा आपंकर ट्रांसमेम्ब्रेन वे रे रही दैट मीनस पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अच्छी निहाती भाव में सेतिक एरिया पाखे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स मानकर लोकेशन निहाती भाव में थी आई मीन अवेलेबिलिटी निहाती भाव में थी बिकॉज़ यदि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से जगह न रहिबे देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो हाइड्रोफोबिक साइट को से माने पेनिट्रेट करके जाई परिबे नाही तो आपण माने जानिथिबे कि अमाइनो एसिड रे आपण को एसिडिक अमाइनो एसिड मिलिबो बेसिक अमाइनो एसिड किबा हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो क्लासिफाई करा जाय छी अमाइनो एसिड को डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ओके तो जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स माने थांती से अमाइनो एसिड माने ए टाइप रो प्रोटीन्स मानक भितरे जहा भी हेले प्रेजेंट थांती बिकॉज़ यदि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को अपन अवेलेबिलिटी न करबे देन से माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके जाई परिबे नाही तो ऑलमोस्ट
हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स माने थांती जो माने कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर रे अरेंज हे कि थांती। तो जेमति कि अल्फा हेलिकल एटा तो गोटे कॉमन जिंस आपण माने जानिथिबे, जदि हमें प्रोटीन रो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखिबा देन आइदर आपण को अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर मिलिबो किंबा आपण को बीटा प्लीटेड शीट रो स्ट्रक्चर मिलिबो। ठीक अछि, तो अल्फा हेलिकल किंबा बीटा प्लीट, तो जेतेबेला आपण ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन देखुछन यूजुअली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो पार्ट आपण को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करथे से अल्फा हेलिकल फॉर्म रे से क्रॉस करके जाए था एवं ए जगह रे आपन को ऑलमोस्ट 20-25 अमाइनो एसिड ए जगह रे आपन को मिल जाए परबो। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी आपन को रेडी ठीक आंसर हे जबो। ओके, देन नेक्स्ट आसला 43 रे जदी हमें देखिबा एठी कोन कोन क्वेश्चन एठी आंसर ठीक हे परबो। प्रोटीन दैट हैज नॉट बीन सिंथेसाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स इन साइटोसोल मोस्ट लाइकली सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो प्रोटीन सिंथेसिस संगे कोनो से रिलेशन नहीं, ये आपनकर लिपिड सिंथेसिस रे हेल्प करे साथिरे ये आपनकर डिटॉक्सिफिकेशन पाइ भी हेल्प करे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल आई मीन प्रोटीन सिंथेसिस रे यार संगे कोनो से रोल नहीं। मोस्ट लाइकली सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स अटैच्ड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कराए, तो ए ऑप्शन का हमें ठीक नहीं परबा। एंटर्स थ्रू द ट्रांसफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो कोनो से ट्रांसफेस न थाए, गॉल्गी रो ट्रांसफेस थाए, तो एटा आपनकर वुल एंटर इनटू गॉल्गी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिस फेस, एटा आपनकर ठीक है गिसला। तो दैट मींस क्यू ठीक एवं एस ठीक, ऑप्शन नंबर सी एठी आपनकर ठीक आंसर आसी गला। देन 44 जदि हमें देखिबा द प्रोटीन P21 प्रोटीन, तो P21 प्रोटीन एक्चुअली गोटे इनहिबिटर प्रोटीन, तो जोटा कि प्रथम स्टेटमेंट रे लिखा है इज अ साइक्लिंग डिपेंडेंट इनहिबिटर। यूजुअली G1 रु S1 को जेते बळे आपणकर सेल चेंज करे आई मीन जेते बळे स्टेजेस को से मूव प्रोसीड करे, तो सही जगह आपणकर किछटा चेक पॉइंट्स थाए, ए चेक पॉइंट्स रे माने चेक करंती वेदर द सेल हैज बीन grown in a proper way or not, whether is there any kind of inhibitor or not, or any kind of kichita mane DNA re kichita changes achi na nahi, I mean kichita problem achi na nahi, ki ma nutrition wise whether there are some lacking conditions or not, so sabu jin se check kara jae G1 phase re. Okay, to G1 phase ru and also is there any mutations or not, or kichhi bhi apan kar jo एमिति किसी भी सब चेंजेस को चेक करा जाए, जो चेंजेस गुड़ाक आगू जाइए सेल को अफेक्ट कर पार से सब प्रकार चेंजेस को चेक करा जाए। तो G1 रु एस प्रोसेडिंग भितर आपर CP21 जो प्रोटीन अच्छी तार गोटे मेजर रोल थाए जोटा कि P53 सागर लिंक थाए, तो यूजुअली एम इनहिबिटर परिका काम करती जदि सेल रिच्छे प्रोब्लेम देन सागे सागे से जगह को आपर इनहिबिट करदे, सो इट्स अ कैंड अफ सेल डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ये अप्सन आपर ठीक आंसर आसगला। इट रेगुलेट सेल सैकल प्रोग्रेसन आट G1 फेज, यहाँ भी आपर ठीक अच्छे। सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय P53 प्रोटीन जोटा कि मैं ऑलरेडी आपको कही सारे, इज अ साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज ना, यहाँ काइनेज नुह ये एंजाइम परिका काम करे ना, ये गोटे प्रोटीन बिकज काइनेज आसीगला आपंकर एंजाइम, सो यहाँ काइनेज परिका काम करे ना, ये गोटे प्रोटीन जे कि फंक्शंस को इनहिबिट करे, सो आपंकर एस भूल हो जाए, बाकी PQR ये आप ठीक आंसर हो, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए ये आप ठीक है। ओके, सो 44 रे नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसीगला कौन, मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर डिप्लॉयड टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ 2C, सो द डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस टू 4C बिफोर द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस, एट इन अनाफेज द डीएनए कंटेंट ऑफ ईच क्लस्टर विल बी, या ऊपर भी मुझे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर सारी आपको माइटोसिस एवं मेयोसिस रे केमिति आपनो डीएनए रो कंटेंट को काउंट करिवे और केमिति क्रोमोसोम रो कंटेंट को काउंट करिवे एवं अनाफेज मेटाफेज प्रोफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस ए सब कंडीशन रे क्रोमोसोम रो नंबर केमिति थाए डीएनए रो नंबर केमिति थाए को टाइप रे मानको चेंजेस हुए को टाइप रे आपनको आइडेंटिफाई कर परिवे ए सब रो वीडियो ऑलरेडी मुझे अपलोड कर सारी मो चैनल रे, तो जदि आप एटा को ए विषय रे आउ किछ जानिबा को चाहौ छन देन मो चैनल को जाई के सब जिंस आपन देखि परिवे। ओके, तो एठी को ए क्वेश्चन जदि हम देखिबा, सो 2C जदि रहला
डिप्लॉइड सेल अच्छी दैट मीन्स गोटे आपंकर पैटर्नल क्रोमोसोम रहिबो गोटे मैटर्नल क्रोमोसोम रहिबो दीटा सी अच्छी दैट टू सी को हजा दैट मीन्स एटी डीएनए कंटेंट आपंकर दीटा रहिला तो सपोज धर दियंतु एटा गोटे आपंकर पैटर्नल कंटेंट रहिला एवं मु आउ गोटे कलर रे एटी मैटर्नल कंटेंट करि दउछु सपोज एटा मोर मैटर्नल कंटेंट रहिला नाउ दिस पर्टिकुलर सेल इज नोन एज अ डिप्लॉइड सेल तो मदर पूरा सेट रहिला फादर पूरा सेट रहिला तो जेहेतु एटा आपंकर वन रहिला एटा आपंकर टू रहिला देन अल्टीमेटली एटी कहा जाउछि टू सी जते बेले आपंकर डीएनए कंटेंट डबल हबो दैट मीन्स जी वन फेज रे जते आपंकर एस फेज को जीवो से जगह आपंकर हेचबो डबल तो डबल हला पर आपंकर चेंजेस कण आसीबो चेंजेस आपंकर किछि आसीबो एमिति ओके सो दिस वन इज योर वन एंड दिस वन इज योर टू सो ये आसी गला आपंकर टू सी एवं आपण जदि रेड कलर देखिबे पैटर्नल क्रोमोसोम तो से जगह रे भी आपंकर मिलि जीवो एठी टू टू सी तो अल्टीमेटली आम ये कहींपर कि जी वन फेज रे ये टू सी थी जिते सी एस फेज को आसीगला कि एस फेज क्रॉस करगला देन अल्टीमेटली आप टू सी कन्वर्ट होगा फोर सी को देन नेक्स्ट फेज आसीजिए आप जी टू फेज को जी टू रे आपंकर आसीजिए एम फेज एम फेज रे जब आप प्रो फेज देखिए सेपरेसन तो हम ना एम फेज रे इक्वेटोरियल रे आरेंज हे कंडीशन आसी जाए आनाफेज आसाफेज आसे कौन हम आनाफेज सिचुएशन आसीजिए आपंकर सिस्टर क्रोमाटिड्स उपर बाइंडिंग हम तार गोटे छोट रफ डायग्राम खाली ये करदे बट बाकी कम्प्लीट डायग्राम आपको मोर अलग भिडियोज मिल जाव जोटा कि आप फॉलो करदे पारे इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ सो धरी दिखते ये मेटाफेज रहा गोटे क्रोमोसोम ये रहा आप गोटे क्रोमोसोम नाउ दिस वन इज योर सेल ये आपजीव सेंट्रोसोम जो मैंने तैयारी करेंगे माइक्रोट्यूबल्स माइक्रोट्यूबल्स स्प्रेड आउट होके एपट को आ गए सेंट्रोमियर आसीगला सेंट्रोसोम सॉरी ओके माइटोसिस रे आपण माने एटा भल भाव रे जानिछंती कि सिस्टर क्रोमेटिड्स मानकर सेपरेशन हुए होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट हुवंती नाही तो सिस्टर क्रोमेटिड जदि सेपरेट हेबे देन एठी हाजबो डिविजन देन अल्टीमेटली आपण को कोन प्रोडक्ट मिलिबो एनाफेज रे एंड रे एनाफेज रे एंड रे एठी गोटे आपण को क्रोमेटिड मिलिला एठी आ गोटे क्रोमेटिड मिलिला सेल भीतर एठी आपण को देख परबे देन नेक्स्ट आसी गला आपण को एठी रेड कलर सॉरी अपन सेल रो सराउंडिंग टा अपन को गुटी कलर रे रहइबो मिटी डबल कलर कर देली ओके सो दिस वन इज एन एनाफेज तो दीटा अपन को पोल को मूव करी के आसी गले क्रोमोसोम तो ए जगह रे एठी अपन को आसीबो 2c एंड देन एठी आसीबो 2c तो एठी गोटे क्वेश्चन अपन एठी भलो भाबरे बुझि दियो तो पचरा जाइछि कि ईच क्लस्टर रे केते अछि जदी अपन को से टोटल डीएनए कंटेंट पचरिबो देन एबे भी अपन को डीएनए कंटेंट 4c ही हबो बट इटी क्वेश्चन पचार छि ईच क्लस्टर माने जते बेले से पोल को पळे गला दैट मींस अपर पोल रे अपन को गोटे क्लस्टर मिलिला तळ पोल रे अपन को आ गोटे प्रकार रो क्लस्टर मिलिला तो ए जगह रे अपन को कोन आसी जिवो ए जगह रे अपन को एटा काउंट करियार अछि कि क्लस्टर हिसाब से आपंकर डीएनए कंटेंट केते रहिबो बिकज दीटा को जदि क्लस्टर आपन मिसे दोचनी देन अल्टीमेटली आपन को 4c ही मिलिबो बिकज सेम जिनसे एबे भी गोटिए ही सराउंडिंग भितरे अछि बट जते बेला आपन ईच क्लस्टर देखु चनी देन अपर क्लस्टर गोटे आसीगला लोअर क्लस्टर गोटे आसला दैट मींस ईच क्लस्टर रे आपन को 2c मिलिबो लोअर क्लस्टर रे 2c मिलिबो ऑल टोटल डीएनए कंटेंट आपनकर एबे भी 4c ही रहिबो सो जेहेतु इठी हमको क्लस्टर विषय पचरा जाय छि त आंसर इठी आपनकर 2c हि जइबो बट माने रखिबे जदि आपन को एनाफेज रे डीएनए कंटेंट पचरा जाउछि त से जगह रे आपनकर 4c ही रहिबो बिकज एबे भी गोटिए ही सराउंडिंग भितरे सबुतक डीएनए आपनकर अछि ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हम देखिबे इठी नेक्स्ट क्वेश्चन रे क्वेश्चन एटी पचरा जाय छी सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय अच्छा सेल साइकिल को आपण कंट्रोल करबा पे आपण को दरकार सीडीके आ आपण को दरकार साइक्लिन साइक्लिन रहिला गोटे प्रोटीन जहार की कंसंट्रेशन से हिसाब रे डिपेंड करबा दरकार सीडीके होची गोटे प्रकार रो काइनेज एंजाइम जहार की एक्टिविटी हमकू दरकार प्रॉपर एक्टिविटी ओके तो एठी हमें देखिबा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सीडीके सीडीके रे कंसंट्रेशन चेंज नुह आमको सीडीके रे एक्टिविटी दरकार जेतु एटा गोटे एंजाइम तो कंसंट्रेशन एटा प्रॉपर वर्ड हबो नाही चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन एटा आपनकर ठीक आसी जीवो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन्स एंड सीडीके एटा भूल आसी जीवो चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ सीडीके तो क्यू एंड एस ऑप्शन नंबर सी हे गला आपनकर ठीक आंसर ओके देन 47 क्वेश्चन देखिबा एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एंटीफंगल okay that can be used as antifungal drug because of its ability to bind to sterols in the membrane and change the membrane fluidity so the answer is your
आम्फोटेरिसिन बी। आम्फोटेरिसिन बी केस रे हुए कोन माने जे कि स्टेरॉल संगे बाइंड करंती एवं मेम्ब्रेन रो फ्लुइडिटी को चेंज कर दियंती। इनहिबिटर क्वेश्चंस बहुत कॉमन आसे आपण जे कोनसी प्रकार रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखंतु मोस्टली गोटे किबा दीटा इनहिबिटर क्वेश्चन पक्का से जगह आसे। तो बेटर जदि आपण गोटे पूरा लिस्ट बनाई दे परिबे इनहिबिटर्स मानकर एवं को जगह से माने इनहिबिट करते जेमति ट्रांसक्रिप्शन रो बहुत गुडे इनहिबिटर अछि। फॉर एग्जांपल जदि मो एठी रिफामपिनसिन रो जदि कहिबी ये डीएनए रो गोटे पार्ट रो इनहिबिटर परिका काम करे किबा स्ट्रेप्टोमाइसिन जदि देखिबे ये भी आपणकर इनहिबिटर परिका काम करे। क्लोरोफेनाकल बी आपणकर इनहिबिटर परिका काम करे। अलग अलग इनहिबिटर अछि जेमति लॉगेशन रो इनहिबिटर्स माने थांती पेप्टिडिल ट्रांसफरेज रो इनहिबिटर्स माने थांती आरएनए पॉलीमरेज रो इनहिबिटर्स माने थांती डिफरेंट डिफरेंट इनहिबिटर्स अछि। एंड ऑलमोस्ट प्राय सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मान एग्जाम्स मान करे आपनकर गोटे किबा दीटा क्वेश्चंस इनहिबिटर उपरे पक्का आसे। सो बेटर आपन जदि गोटे लिस्ट आउट कर देबे सेटा आपनकु हेल्प करिवो प्रैक्टिस पई भी आ ता सहित क्वेश्चंस को अटेंड करिवा पई। देन हाउ आर द 8 ह्यूमन ग्लोबिन जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ग्लोबिन जीन्स जदि आपन देखिबे हीमोग्लोबिन खास करी जदि हम देखिबा ताले आपनकर दीटा चेन थाय अल्फा ग्लोबिन गोटे थाए देन बीटा ग्लोबिन गोटे थाए। तो अल्फा ग्लोबिन रो जो जीन्स माने अछि एटा गोटे क्रोमोसोम रे अरेंज हेकि थांती बीटा ग्लोबिन रो जो चेन्स माने जीन्स माने थांती एटा गोटे क्रोमोसोम रे अरेंज हेकि थांती। तो तार जदि आपण एटी क्वेश्चन देखिबे दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ह्यूमन क्रोमोसोम्स ना माने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड न थांती माने स्पेसिफिकली दीटा क्रोमोसोम रे उपरे मानकर लोकेशन देखा जाए। दे आर प्रेजेंट इन टू क्लस्टर्स okay so this one is the correct one one on the chromosome number 11 and the other is the chromosome number 16 chromosome number 11 ebam chromosome number 16 ei dita rahila apanakar thik answer because gote cluster dekha jae chromosome number 11 re aa gote cluster dekha jae apanakar chromosome number 16 re तो यूजुअली जदि आपण देखिबे एठी बीटा ग्लोबुलिन जदि देखिबे देन आपण एठी क्रोमोसोम नंबर 11 रे आपण को बीटा ग्लोबुलिन रो जीन्स मिलि जिवो एवं अल्फा ग्लोबुलिन रो जदि आपण देखिबे क्रोमोसोम नंबर 16 आपण को अल्फा ग्लोबुलिन रे मिलि जिवो। ओके यस सो बी ऑप्शन आसी जिवो आपण को ठीक आंसर। एक्स क्रोमोसोम सहित ग्लोबिन रो कोनोसी लिंक ही नै देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा एगुडा को भी आपण को भूल आंसर। 49 जदि देखिबे 49 रो क्वेश्चन आसी गला एठी डीएनए हेलिकेज इन इकोलाई। डीएनए हेलिकेज इकोलाई दैट मींस एठी आपनकु प्रोकैरियोट्स रो हेलिकेज प्रोटीन विषय रे पचारा जाउची। तो प्रोकैरियोट्स मानक केस रे यूजुअली जो डीएनए हेलिकेज प्रोटीन थाए हेक्सामेरिक थाए गोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर हे कि हेक्सामेरिक प्रोटीन थाए ए टाइप रो एवं यार भीतर आपनकर डीएनए सेपरेट आउट हे जाय। ओके मूव करके जीव तो डीएनए को ता संगे सेपरेट आउट करिवो। सो एवं या संगे एटीपीएज एक्टिविटी भी अवेलेबल थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपण करे ठीक आंसर हे जीव। 50 क्वेश्चन देखिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द प्री टीआरएनए प्रोसेसिंग। प्री टीआरएनए प्रोसेसिंग प्रथम कथा हला जदि आपण देखिवे को एक्टिविटीटा टीआरएनए प्रोसेसिंग रे हुए नाही। 5 प्राइम एंड क्लीवेज बाय आरएनए स्पी एटा हुए। देन एडिशन ऑफ सीसीए सीक्वेंसेस आर द 3 प्राइम एंड एटा भी हुए। एक्स्ट्रा एडिशन हुए लास्ट आड़ को केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस भी हुए बट पॉलीएसाइट एटा अपन कर टीआरएनए नहीं हो रादर एटा होची एमआरएनए रो कंडीशन। ओके पॉलीए सीक्वेंस पूरा लास्ट को पूरा 3 प्राइम एंड आड़ को अपन कर लागि जेबो पॉलीए 5 प्राइम रे अपन को जी प्राइम कैपिंग लागे गोटे मिथाइलेटेड गुआनाइन आसी के लागे जोटा कि ताको कैप करके रखे एवं 3 प्राइम रे अपन कर पॉलीए रो गोटे 200 अराउंड अमाइनो एसिड गोटे स्ट्रेच आसी के लागि करबे। तो सेटा आसी गेला अपन ठीक आंसर। देन 59 जदि हम देखिबा फिफ्टी वन जब क्वेश्चन देखिए अप्रोक्सीमेट मॉलिक्युलर वेट किलो डाल्टन रे हमको कैलकुलेट करियार अछि ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर ट्रांसलेशन ऑफ 390 बेसिस। ओके 390 आम पाखे अच्छे कौन बेसिस। ओके जब आप ट्रांसलेट करट मीनस आपर बेस कन्वर्ट हे कौटी की अमाइनो एसिड को ठीक अच्छे। तो तीन टा बेस कन्वर्ट हम गोटी अमाइनो एसिड को भल भाव जानते फॉर एग्जांपल जब ए यू जी देखी देन सी कन्वर्ट हम आपर मिथियोनाइन को। तो मिथियोनाइन रहा आपर गोटे सिंगल अमाइनो एसिड ए यू जी रे ए गोटे बेस यू जी तीन टा बेस रहा। तो तीन टा बेस मोर कोड कर गोटे अमाइनो एसिड को कोड कर। तो जदि मुझे तीन टा 390 को नेबी देन मुझे जब डिवाइड करदेवि डिवाइडेड बाय 3 देन ये मोर आसीज 130 अमाइनो एसिड्स। से मत पचार मॉलिक्युलर वेट पचार छी गोटी अमाइनो एसिड रो मॉलिक्युलर वेट रही गला आपनकर 110 डाल्टन। ओके अप्रोक्सीमेटली 110 डाल्टन निया जे। तो एठी आपन सिंपल खाली कर दियंतु 130 इनटू 110
सो समवेयर आपणकर आरसी जीव इटि 143 हंड्रेड डाल्टन आपनको क्वेश्चन कौन पचार ची किलो डाल्टन रे तो जदि आम देखा 1 किलो डाल्टन इक्वल टू 1000 डाल्टन ओके दैट मीन्स ये आप 14300 डाल्टन अच्छी जहाँ को आप अप्रक्सीमेटली 14000 आई मीन 14 किलो डाल्टन लिखिपर नट 14000 जदि आप डाल्टन रखुन देन 14300 रही है यदि किलो डाल्टन कर 1000 टाक काटिदेवे तो आसीगला डी आंसर ये ओके सी वैल्यू पैराडक्स सजेस्ट्स अस अबाउट अच्छा प्रथम कथा है सी वैल्यू मैंने आपंकर डीएनए कंटेंट विषय कह तो सी वैल्यू कह जाए यूजुअली बिलीव कौन कराए जदि आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिए जिते आप लोअर ऑर्गेनिज्म रु आप हायर ऑर्गेनिज्म को जी एटा बिलीव कराए कि कॉम्प्लेक्सिटी मानने जीनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी ये बढ़िया दरकार ठीक अच्छे सी वैल्यू पैराडक्स आम देखने कौन ये लॉटा मेंटेन हुए ना जरूरी नुह कि गोटे हायर ऑर्गेनिज्म रो जेनेटिक कंटेंट गोटे लोअर ऑर्गेनिज्म रो जेनेटिक कंटेंट टू बेसी हम बहुत गुड़े केसेस आम एमती भी देखीचे कि गोटे हायर ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म रो जेनेटिक कंटेंट कम अच्छी एवं गोटे लोअर ऑर्गेनिज्म रो ता कंपैरिजन रो बेसी अच्छी तो सी वैल्यू पैराडॉक्स माने आपनकर जो कोलिनियरिटी रहिबा कथा जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनिज्म रो कॉम्प्लेक्सिटी भितरे से लिनियरिटी टा मेंटेन हो कि रहे नाही दैट मींस नॉन आई मीन नॉन कोलिनियर रहिबो तो आपनकर ऑप्शन नंबर बी एठी आसी जीवो ठीक आंसर देन व्हिच ऑफ द कॉमन टू बोथ ई कोलाई एंड यूकेरियोटिक क्रोमोसोम दीटा को भीतर जदि आपण देखिबे डीएनए सर्कुलर आपणकर ई कोलाई केस रे नॉट यूकेरियोटिक डीएनए इज कंटेंट इन द न्यूक्लियस एटा आपणकर ई कोल सॉरी आई मीन यूकेरियोट्स रे थाय ई कोलाई रे त आपणकर न्यूक्लियस न थाय डीएनए इज पैकेज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम भी आपणकर यूकेरियोट्स रे थाय न्यूक्लियोसोम आपणकर ई कोलाई रे देखा जाय नाही देन अल्टीमेटली गोटी ही आंसर आपणकर इ ठीक हे जइबो जोटा कि आपणकर ऑप्शन नंबर बी सो सर्कुलर देखा गला आपणकर बैक्टीरिया केस रे डीएनए न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस यूकेरियोट्स मानक केस रे न्यूक्लियोसोम आसीगला यूकेरियोट केस रे गोटी जिनस जोटा कि दीटा केस रे देखा जाय सेटा नेगेटिवली सुपर करेंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आप कौन रही है गोटे पी एलिमेंट अच्छी जोटा कि आपंकर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर देखा जाए एंड एटा गोटे ट्रांसपोजन परिका काम करे ट्रांसपोजन आपने जानते हैं आई गेस भल भाव जो थी कि जंपिंग डीएनए भी कहुए जंपिंग डीएनए मैंने मन इच्छा गोटे जगह क्लीव आउट हो गोटे जगह जाकि बैंड करेंगे तो जंपिंग डीएनए कहुए सो एवं या द्वारा हाइब्रिड भी क्रिएट हुए सो ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो 54 रो ऑप्शन नंबर डी हो देन 55 आम देखा 55 रो जदि आपण एटी क्वेश्चन देखुचंती देन एटी क्वेश्चन रे कोन पचारा जाय छी डोजेस कंपनसेशन इन ड्रोसोफिला इज अचीव्ड बाय हाइपोएक्टिवेशन ऑफ बोथ एक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल हाइपोएक्टिवेशन ऑफ वाई क्रोमोसोम हाइपर एक्टिवेशन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम इन फीमेल हाइपर एक्टिवेशन ऑफ पैरेंटल क्रोमोसोम इन मेल प्रथम कथा तो डोजेस कंपनसेशन रो वाई क्रोमोसोम संगे कौन सी रोल नहीं हाइपर एक्टिवेशन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम्स इन फीमेल ए स्टेटमेंट ही अजीब टाइप रो अच्छी मैटरनल क्रोमोसोम इन फीमेल दैट मीन्स जोटा मदर पाखु आसी सहित किसी लिंक रहा स्टेटमेंट ही अजीब अच्छी हाइपो एक्टिवेशन यूजुअली हुए ना आपंकर दरकार हाइपर एक्टिवेशन जदि आप देखिए फीमेल मानक केस रे दीटा एक्स क्रोमोसोम रोचे मेल मानक केस रे गोटे एक्स एवं गोटे वाई क्रोमोसोम रहिला तो यूजुअली दीटा एक्स रो एक्टिविटी सहित मैचअप करने आपको गोटे सिंगल एक्स रो हाइपर एक्टिवेशन करिया को पड़ा दैट मीन्स गोटे सिंगल एक्स जी ट्रांसक्राइब करने कथा आम जब डबल करवा देन ओनली सी फीमेल रो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसक्रिप्शन सागर मैचअप कर दैट मीन्स आमको ये हाइपो एक्टिवेशन करार ना रादर आमको ये हाइपर एक्टिवेशन करार अच्छे ओके सो ये आपंकर ऑप्शन नंबर डी हो ठीक इन बैक्टीरिया व्हिच एंजाइम बाइंड्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड मैचेस द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ कॉम्प्लीमेंटरी डीनेचर डीएनए तो ये आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन आसी गोटे और आंसर आपंकर रेक ए प्रोटीन जोटा कि आपंकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रे बाइंड करे एवं आपंकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचर करिवार हेल्प करे ओके देन 57 क्वेश्चन देखिबा जदि आम ये 57 रो क्वेश्चन देखा 57 रे आपको कौन पचार लीडर सिक्वेन्सेस इन आन एम आर एन ए अफ यू कैरियर्स कैन बी फाउंड अच्छा लीडर सिक्वेन्सेस देखी दिखाँ कौन देखा
ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏର କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ସୋ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 5' ୟୁଟିଆର୍ ଅନ୍ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ରିଜିଅନ୍। ଦେନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 3' ୟୁଟିଆର୍, ଆଇ ମିନ୍ 3' ଅନ୍ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ରିଜିଅନ୍। ଦେନ୍ ଏଇ ଆଚ୍ଛା ସରି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇ ପାର୍ଟରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କଲରିଂ ପାର୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହିଲା, ଆଇ ମିନ୍ ଏଇ ପୁରା ପାର୍ଟଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ 5' ୟୁଟିଆର୍। ସୋ ନାଓ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଲିଡର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଏବଂ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଟ୍ରେଲର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଓକେ, ଲିଡର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଲା 5' ପାର୍ଟଟା, ଟ୍ରେଲର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଲା 3' ଏଣ୍ଡଟା। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚରାଯାଇଛି, ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଷ୍ଟପ୍ କୋଡନ୍ ଭୁଲ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଇଟ୍ କେଉଁଟା ଆସିବ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଓବିଅସ୍ଲି ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ ସାଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଇଟ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ ଏରିଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ବିକଜ୍ ଇନିସିଏସନ୍ କୋଡନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଯିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଲିଡର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। ଓକେ, ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଗଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, 57 ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଲ୍ୟୁସିନ୍ ଜିପର୍ ମୋଟିଭ୍। ଲ୍ୟୁସିନ୍ ଜିପର୍ ମୋଟିଭ୍ ପାଖରେ ଡିଏନ୍ଏ ବାଇଣ୍ଡିଂ ମୋଟିଭ୍ ବି ଥାଏ, ତ ଆକ୍ଚୁଲି ଦୁଇଟା ମୋଟିଭ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଡିଏନ୍ଏ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏମାନେ ହୋମୋଡାଇମର୍ ବି ରହିପାରିବେ, ଏମାନେ ହେଟ୍ରୋଡାଇମର୍ ଭାବରେ ବି ରହିପାରିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଫସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ରିସେପ୍ଟର୍ସ, ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୋ ପି ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟୁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଅପସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ଏସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଗ୍ଲୁକୋକର୍ଟିକଏଡ୍ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବାଇ ନେଚର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଲ୍ୟୁସିନ୍ ଜିପର୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉ ଅପସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରୁନି ଏଠି, ବିକଜ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ହିଁ ଏଇଠି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ପି ବି ଠିକ୍, କ୍ୟୁ ବି ଠିକ୍, ଆର୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ୟୁଜୁଆଲି ସେମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବାଇଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବାଇଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କି ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କେଉଁ ଅପସନ୍ କେଉଁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ସହିତ ଆମେ ଗଲେ ବେଶୀ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ 58, ଓକେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି କିଛି ମେ ବି ଯଦି ମୋତେ ଫର୍ଦର ଯଦି ମୋତେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଲା, ମେ ବି ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରିବି, ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଯଦି ମୋତେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁ ତିନିଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବା, ଦେନ୍ ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, 58, ଦେନ୍ 59 ଦେଖିବା। 59ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କେମିକାଲ୍ ମେକାନିଜମ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ସେଲ୍ ମେକ୍ ପଲିମର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମୋନୋମର୍ସ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲି ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ମେକାନିଜମ୍ ଯେଉଁଠି ମୋନୋମର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଲିମର୍ସ ମାନେ। ଓକେ, ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 60, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଅଫ୍ ସେଲୁଲୋଜ୍। ତ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯିଏକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲୁଆଲ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ସୋ ଏଇଠି
सेलुलोज इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ सुक्रोज ना सुक्रोज नो एठी आपनकर ग्लूकोज रे से माने केरी थांती तो ऑप्शन नंबर ए एठी भूल अछि इट्स अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फॉर एनर्जी इन प्लांट सेल एनर्जी नो ये सेल वॉल को बनाए एनिमल सेल रे तो आपनकर सेलुलोज ही नाही इट्स अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल तो ए ऑप्शन टा आपनकर आसी गला ठीक आंसर ओके सो डी आंसर टोटल 60 पर्यंत आम्ही क्वेश्चन्स ऑलरेडी कर सारलेनी बाकी जहाँ क्वेश्चन्स अच्छी मु आउ गोटे पार्ट रे आपनको फर्दर क्वेश्चन्स क्वेश्चन्स डिस्क्रिप्शन आई मीन एक्सप्लेनेशन आपनको शेयर कर देबी या भितर जदि आपनकर किछ डाउट अच्छी किबा कोनोसी क्वेश्चन जदि आपण लागुची नाही जो ऑप्शन गुडाक मु कहली से ऑप्शन गुडाक ठीक हबनी एवं अलगा किछ ऑप्शन ठीक अच्छी देन आपण मते कमेंट सेक्शन रे कहि पर माने कमेंट कर दे परिबे एवं मुझे क्वेश्चन को फर्दर एक्सप्लेन करिया को ट्राई करी एंड ए पार्ट रे इंती बहुत गुड़े क्वेश्चन थिला जो जहाँ किसी कॉन्सेप्ट वीडियोस मु ऑलरेडी मो चैनल रे अपलोड कर सारी तो जदि आप किसी डाउट आसला ता भीतर ता उपर मते क्वेश्चन पचारि परिबे एंड आई होप कि एटा आप हेल्प कर प्रिपरेशन पाई सो थैंक यू एवरीवन एंड आई होप कि आप सब वीडियोस हेल्पफुल र सो आम नेक्स्ट वीडियोस रे आउ किछटा एक्सप्लेनेशन आपनको सहित शेयर करी थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे नमस्कार समस्तिंकू